गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 6.3 क्लास 6 मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज 35 - 20, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्वेशन करना है तो आपसे तो ये आ जाएगा, बहुत इजी है। सॉल्व ए 35 - 20। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 35 - 20 तो आपको क्या मिलेगा, 15। 35 पर 20 माइनस करेंगे तो 15 ही तो मिलेगा। बी नंबर पे क्या लिखा, जैसे आपका अब 72 माइनस 90। अब इसको सॉल्व में लिखेंगे बी 72 माइनस 90 आया -18 आंसर। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बस इतना ही चीज है। 3 नंबर पे जैसे आपको क्या लिखा है, 3 नंबर पे क्वेश्चन है आपका -15, फिर क्या है -18 -15 - -18। जब सॉल्व सी करेंगे, सॉल्व सी -15 - -18। अब आपको मालूम है -, क्या होता है, प्लस होता है, +18। अब 18 में 15 माइनस होगा तो क्या आएगा, +3, बिकॉज पॉजिटिव साइन इज मोर देन नेगेटिव साइन। ये सी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर तो वैसे ही है -20 या -13। फिर सी नंबर जैसे ही हो रहा था आप कर सकते हैं। डी नंबर पे क्या है -20 और -13, इसको क्या लिखेंगे -20 - -13, 20 - 30 - 33 आंसर। सॉल्व डी। इस तरह क्या होगा कि आप पहला नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें सिंपल से एडिशन सब्ट्रैक्शन है जो कि आपको करना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द लेस देन ग्रेटर देन साइन। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स एंड लेस देन ग्रेटर देन साइन का यूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन साइन। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल साइन। इसमें आपका ए नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा -3 + -6 तो आपका आ जाएगा -9। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे -3 - -6 तो -3 + 6 ये तो क्या हो जाएगा -3 - -6। इसमें अब 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3, आएगा कि ना आएगा, यहाँ पे -9। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा साइन होगा, तो -9 - 3 से क्या होगा -9 कम होगा। बी नंबर में आपका क्या है -21 - -10। फिर ब्लैंक से यहाँ पे -31 +
माइनस इलाहाबाद, जब इसका एडिशन होगा तो ये आएगा -42, और 21 में 10 का करेंगे तो ये आएगा -21 है, और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11। अब ये देखो दोनों साइन है, एक -11 एक -42 है, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा तो -11, 42 आपका छोटा होगा तो -11 यहाँ पे आ गया। सी नंबर पे आपका है 45 माइनस माइनस 11, फिर ब्लैंक्स है 57 प्लस माइनस 4। 45 में 11 अगर ऐड होगा तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर ये 57 में 4 माइनस होगा तो 53 आ जाएगा, 56 ग्रेटर देन 53। ओके, अब डी नंबर, इसका डी नंबर पे क्या है, डी नंबर पे है 25 माइनस 42 ब्लैंक्स है -42 -25। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा -25 या +42, और +42 में अगर 25 को माइनस करेंगे तो 12 5 -7, और 3 2 -1, तो ये आएगा आपका -17, नहीं +17 आएगा, क्योंकि 42 का साइन ज्यादा है, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। आया फिर -42 और +25, ये आएगा -17, तो आपका पॉजिटिव साइन ज्यादा होगा, फिर ये आपका 17। इस तरह हमारे क्या हुए, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए फिल इन द ब्लैंक्स के। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी फिल इन द ब्लैंक्स है, चलिए देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक फॉर्म ने लिखा है, थर्ड नंबर पे क्या है फिल इन द ब्लैंक, इसमें पहला क्वेश्चन है ये है ए नंबर पे -8 + (0). अब 8 में क्या रखेंगे तो 0 आएगा, तो -8 + 8 एडिशन होगा तो 0 ही आएगा। बी नंबर पे है 13 + अब यहाँ पे भी 0 लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए -13। ओके, सी नंबर पे क्या लिखा है 12 + -12, तो क्या आएगा 0। डी नंबर पे -4 + (blanks) है, -12 लिखा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -8, -8 - 4 तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्या लिखा है -4 + (blanks) है, यहाँ पे है -12, यहाँ पे लिखेंगे -8, -4 - -8 - 12। अब ई नंबर देख लीजिए इसी का लास्ट, यहाँ पे क्या लिखा है 15, यहाँ पे 10, क्या लिखा है 15, यहाँ पे क्या लिखा है -10, यहाँ पे लिख लीजिए 5, यहाँ पे -15 = यहाँ पे लिख दीजिए -10। ये हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगा, और इसी के साथ कल आपका एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।